देखिए, कोरोना महामारी का वक्त चल रहा है और स्कूल कॉलेजेस और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो इस समय पूरी तरीके से बंद हैं, लेकिन कई स्कूल्स ऐसी हैं और कोचिंग ऐसी हैं जो लगातार बच्चों की एजुकेशन ख़राब ना हो इसके लिए उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। लेकिन इसी दौरान जब ये देखने में आया है कि लॉकडाउन के बाद में जो अनलॉक 1.0 आया है, तो उसके बाद स्कूलों ने लगातार फीस मांगने की डिमांड अभिभावकों से करना शुरू कर दी थी। जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि लगातार मैस्कॉट स्कूल हुआ, रियान स्कूल हुआ, यहाँ पर जो अभिभावक हैं उनके विरोध प्रदर्शन हुए हैं फीस बढ़ोतरी को लेकर, किताबों को लेकर, और जो फीस वसूलने इस समय जारी है उसको लेकर लगातार अभिभावकों के आरोप लगाते रहे निजी स्कूलों के ऊपर कि वहाँ पर फीस बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे समय पर उनको रियायत की सख्त ज़रूरत है। तो ये पहली बार अजमेर शहर के अंदर ऐसा हुआ है कि इस दौरान अभी जो हालात चल रहे हैं, पेरेंट्स एकजुट हो रहे हैं, यूनियंस बनाई जा रही हैं, ऐसे में DPS स्कूल जो तबीजी में स्थित है उनकी ओर से इस पूरे मामले के ऊपर एक अभिभावक ने आरोप लगाया था DPS स्कूल पर कि उनके वहाँ पर फीस बढ़ोतरी हुई है। तो उस पर DPS स्कूल कोई पहला स्कूल निजी स्कूल ऐसा है जो अब पहली बार मीडिया को उन्होंने बुलाया है और मीडिया से मुखातिब हुए हैं और उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि DPS स्कूल में किसी प्रकार की फ़ीस की बढ़ोतरी इस साल नहीं हुई है। कोरोना महामारी को उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया है और उसके चलते जो आर्थिक हालात इस वक्त अभिभावकों के हुए हैं उसको भी उन्होंने पूरी तरीके से ध्यान में रखा है और इसीलिए इस साल DPS स्कूल तबीजी के अंदर किसी प्रकार की फ़ीस बढ़ोतरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि जो अभिभावक इस वक्त DPS स्कूल पर आरोप लगा रहे हैं फीस बढ़ोतरी को लेकर, वो पूरी तरीके से निराधार है, उसमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस दौरान जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं उसके अंदर स्कूल पूरी तरीके से ध्यान रख रहा है कि बच्चों के सामने क्या पाठ्यक्रम और किस प्रकार का कंटेंट उनको बेस्ट दिया जा सकता है, क्योंकि अभी जो सॉल्यूशन है वो केवल और केवल ऑनलाइन क्लासेस ही रह जाता है, क्योंकि जब तक स्कूल नहीं खुलेगी बच्चों की शिक्षा किसी प्रकार से बाधित ना हो। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चे के पास तक उसके तय समय पर, और वो समय ऐसा जब वो 24 घंटे के दौरान किसी भी वक्त उस कंटेंट को पढ़ सकता है और क्लासेस को देख सकता है। इसीलिए DPS स्कूल तबीजी की ओर से ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन जो DPS स्कूल की प्रिंसिपल हैं डॉक्टर नीरू पाठक, उन्होंने स्पष्ट शब्दों के अंदर ये कह दिया है कि जो अभिभावक फीस बढ़ोतरी का आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है, वो गलत है। इस बात को लेकर BTV इंडिया ने कुछ और सवाल भी उनसे पूछे थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल किताबों को लेकर भी था DPS स्कूल की ओर से, उसमें भी स्पष्टीकरण दिया गया है। और एक खास बात पर जोर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो बाकी के स्कूल्स के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं और जो स्कूल के संचालक हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो पेरेंट्स से नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में इस बात को भी MTTV इंडिया ने DPS स्कूल के प्रिंसिपल के सामने उठाया है कि आपके स्कूल में भी क्या ऐसी ही दिक्कत है कि आप लोगों का कम्युनिकेशन जो है वो पेरेंट्स से नहीं होता है। इस पर उन्होंने बिल्कुल स्पष्टीकरण दिया है कि DPS स्कूल के अंदर जो पेरेंट्स हैं, जिस जिस क्लास के बच्चे हैं उसके मुताबिक उनको जोड़ा गया है, और व्हाट्सएप के ज़रिए अगर कॉल अटेंड नहीं हो पाता है तो व्हाट्सएप के ज़रिए भी पेरेंट्स जो हैं वो अपनी शिकायतों को सीधा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख सकते हैं। देखिए, जो अभिभावक बोल रहे हैं किसी निजी चैनल पर, ये एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि हमने एक भी पेनी इस सेशन में बढ़ाई नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है फीस की, और हमने किसी भी पेरेंट को कोई कंपेल नहीं किया है कि उनको क्वार्टर अमाउंट ही जमा कराना है, क्योंकि 3 महीने होने वाले हैं तो पेरेंट्स के पास में ये ऑप्शन है कि वो मंथली फ़ीस जमा कराएं, बाय मंथली करवा दें, या क्वार्टर फीस, या एनुअल भी, वो अपने डिस्क्रिशन पर है। लेकिन हमारी तरफ से कोई भी कंपल्शन किसी भी पेरेंट को नहीं है कि वो क्वार्टर ही जमा कराएगा या एनुअल ही जमा कराएगा। वो मंथली अगर अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग जमा करा सकता है तो मंथली भी जमा करा रहा है, और हमें पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है। पेरेंट्स आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव, लकीली। सर देखिए, अभी जो टीचर्स जो अपने क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन, वो सभी क्लासेस नर्सरी टू क्लास 12 चल रहा है, बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी ले रहे हैं। 2 आवर्स हमारी एकेडमिक क्लासेस चलती हैं इन द मॉर्निंग, 2 आवर्स हमारे एक्टिविटी क्लासेस चलती हैं जिसमें कराटे, म्यूज़िक, डांस, कंटेम्प्रेरी, सेमी क्लासिकल, हर तरह का डांस सिखाया जा रहा है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी सिखाया जा रहा है, वोकल म्यूज़िक भी सिखाया जा रहा है, कराटे के सारे एक्ट्स बताए जा रहे हैं। सभी ऑनलाइन एक्टिविटी क्लासेस बच्चों के लिए चल रही हैं। इसके अलावा टीचर्स उनको इन्वॉल्व रखने के लिए कई तरह की एक्टिविटीज़, जैसे फ्लेमलेस कुकिंग एक्टिविटी अभी हुई बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए, और ये सिर्फ क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है बच्चों का, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत कुछ किया जा रहा है।
कि बच्चे क्रिएटिवली इन्वॉल्व कुछ नया सीखें। अभी मदर्स डे पे बच्चों ने कार्ड्स बनाए, बच्चों ने अपनी मदर्स के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, उसमें हमने फेसबुक पे उसको अपलोड किया बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। अभी भी ऑनलाइन डांस फिएस्टा भी चल रहा है जिसमें बच्चे अपना जो वीडियोज़ हैं डांस वीडियोज़ वो भेज रहे हैं। तो ये सब टीचर्स के ही एफर्ट्स हैं जो कर रहे हैं, लगातार क्लासेस चल रही हैं। तो इसमें टीचर्स पूरे दिन इन्वॉल्व रहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस टीचर्स के लिए एक बहुत नई चीज़ है, राइट? क्योंकि टीचर्स बिल्कुल वेलवर्स नहीं है, वो हमेशा फेस टू फेस इंटरेक्शन के साथ में थोड़े वेलवर्स्ड होते हैं। अभी वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, 2-3 आवर्स क्लासेस ले रहे हैं, उसके बाद में होमवर्क व्हाट्सएप कर रहे हैं, होमवर्क के असाइनमेंट जो बच्चे जो भर के भेजते हैं उसको चेक कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक्स भेज रहे हैं, इतना सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फिर रात को अपने लेसन प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए। सबके पास में वाईफाई नहीं है, किसी तरह से वो अरेंज कर रहे हैं, टीचर्स बोर्ड अरेंज कर रहे हैं, ये सब चैलेंजेस हम लोगों को पता है। कोरोना का वक्त है, इस समय पेरेंट्स के सामने बहुत बड़ी आर्थिक जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। टीचर्स ने उनकी सहूलियत के लिए कदम उठाए? नहीं, बिल्कुल कदम उठाया है। जैसे अप्रैल में हमारे 10 अप्रैल तक जो फीस पेमेंट होना चाहिए था वो हमने बिल्कुल पेरेंट्स को कंपेल नहीं किया, क्योंकि लॉकडाउन में हम भी समझते हैं कि एकदम से पेरेंट्स के लिए पे करना थोड़ा सा मुश्किल है। किसी भी पेरेंट ने पे नहीं किया था और हम लोगों ने अप्रैल के बाद में हम लोगों ने पेरेंट्स से पूछना शुरू किया और वो भी हमने किसी भी तरह का कंपल्शन नहीं किया है और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जब राजस्थान हाईकोर्ट का जब निर्णय आ गया उसके बाद में हमने फ़ोन किया उनको और उसमें भी कोई कंपल्शन नहीं है किसी भी तरह का कि भाई आपको क्वार्टर ही जमा करना है, मंथली बाय मंथली जो भी आपके सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग जमा करिए और पेरेंट्स जमा कर भी रहे, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑफकोर्स सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने शुरू में ही कहा था कि पेरेंट्स बहुत बहुत कोऑपरेटिव हैं। इनफैक्ट जो फी काउंसलर्स हैं उनके सेकेंड बार कॉल करने पर ही पेरेंट्स तुरंत कर रहे हैं और हम लोग ऐसा कोई कंपल्शन भी नहीं कर रहे हैं, अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग पे कर सकते हैं। एक्टिविटी क्लासेस भी हो रही है, एकेडमिक और ट्यूशन सब कुछ सारी एक्टिविटी लॉकडाउन में ये बेस्ट से बेस्ट जितना हो सकता है। और मेरे ख्याल से डीपीएस अजमेर एक पायनियर स्कूल है जो 4 अप्रैल से ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवा रहा है, मैं ये कहना चाहूँगी आपको 4 अप्रैल से ही ये क्लासेस हो रही हैं। और सर देखिए अभी तो वैसे तो वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा, सीबीएसई भी अपनी गाइडलाइंस इशू करने वाली है, पर टेंटेटिवली आई थिंक 15th of July एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि हमारे जो क्लास वाइज हैं वो इनफैक्ट जो सेक्शन वाइज अगर मैं बोलूँ, अगर 6A 6B है तो उसमें सेक्शन वाइज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं पेरेंट्स के, तो उसमें जो है टीचर्स ऑफकोर्स वन वे कम्युनिकेशन होता है, उसमें सभी क्लास टीचर्स हैं, क्लास टीचर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं पेरेंट्स के साथ में, जो भी मैसेजेस हैं जो भी एक्टिविटीज़ हैं हम उस पर फ्लोट करते रहते हैं। इनफैक्ट जो टीचर्स हैं वो एक्सपेरियंशियल टीचिंग से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अगर कुछ मटेरियल भी उनको रखना होता है जैसे ग्लास वाटर वगैरह ये सब अगर जुटाना है किसी क्लास के लिए तो वो व्हाट्सएप पे पहले ही मैसेज फ्लोट होता है। हम लोग हैंगआउट मीट के द्वारा हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं, तो उसमें हैंगआउट मीट का भी जो लिंक है वो आता है, एक पर्टिकुलर क्लास का जो लिंक है वो भी व्हाट्सएप पर आता है जिससे पेरेंट्स को पता चलता है और बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और इनफैक्ट जो बच्चे अगर नहीं भी कर रहे हैं उनको भी टीचर्स नोटिफाई कर रही हैं कि भाई आपने ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं अटेंड की, और सभी बच्चों का कॉपी वर्क भी हो रहा है, असाइनमेंट चेक होके आ रहे हैं। देखिए पूरा जो डीपीएस फैमिली है जिसमें पेरेंट्स हैं टीचर्स हैं प्रिंसिपल हैं ये सब एक फैमिली की तरह हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे स्टेक होल्डर्स, तो उनका कोऑपरेशन बहुत मैंडेटरी है इसमें। और देखिए ये जो स्कूल है वो प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री नहीं है, पहली बात तो जो बच्चों की फीस आती है उसी से स्कूल का मेंटेनेंस और सैलरीज बेयर होती है, तो सभी को एक साथ जुट के इस डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग माहौल में सबको एक साथ जुट के काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप हमें अकेला छोड़ देंगे या हम उनको अकेला छोड़ देंगे, इट्स अ यूनिट। और ये सिर्फ डीपीएस अजमेर पर लागू नहीं होती है बात, ये सभी स्कूलों सभी प्राइवेट स्कूलों पर लागू होती है, तो सभी साथ में रहें तभी एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट बनेगा। अगर इसको बहुत ज़्यादा अगर डिस्टर्ब करेंगे तो वैसे ही हमें COVID-19 से फाइट करना है, उसके लिए हम लोगों को साथ में रहना है, तो हम एक दूसरे से कम भिड़े नहीं इन सारी चीज़ों को लेकर। देखिए अभी गाइडलाइंस पे डिपेंड करता है,
ऐसा कुछ है कि शायद 33% या 50% स्टूडेंट्स ही एक दिन आ सकेंगे और बाकी जैसे जो पर्टिकुलर क्लास के दो बार हफ्ते में मौका आ रहा है तो बाकी तो ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी, तो जो जिस दिन हम लोग मिलेंगे उस दिन हमारा कॉपी वर्क या कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लासेस ही हो पाएंगी। तो ये अभी विचार है, फिर आगे देखते हैं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या होता है।